हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका कविताज किचन रेसिपीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं पोहा से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी। ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए हमने 2 कटोरी पोहा लिया है, तो यहाँ 1 कटोरी ले चुकी हूँ और 2 कटोरी हम इसमें पोहे को डालेंगे। 2 कटोरी 1 कटोरी थोड़ी से कम है फ्रेंड्स। तो अब हमने ये वही पोहा लिया है जो कि जनरल हम घरों में यूज़ करते हैं, पोहा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम इसे 3-4 पानी अच्छे से वाश कर लेंगे, क्योंकि पोहा में थोड़ा सा गंदगी रहती है, तो इसे हम अच्छे से वाश करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ हमने इसे वाश कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लेंगे 1 मिक्सी का जार और उसमें हम अपने सारे पोहे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बड़ा बड़ा जार लिया है मैंने, ताकि एक ही बार में झटपट ये हो जाए। तो सारे पोहे को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और अब हम इसे लिड लगाकर इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, तो अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे पोहे को हम इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ सारे पोहे को मैंने निकाल लिया, तो इसमें मैंने जो मिक्सर की जार में जो पानी था ना, थोड़ा सा उसमें मिलाकर डाला है, क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट बनाना है और बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी ताकि अच्छे से ये मिल सके। तो यहाँ पर इसे हम बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ्रेंड्स। और अब ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से। और अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो बस इसी तरह से आपको आपका पोहा का जो है ना पेस्ट एकदम अच्छे से बना लेना है। थोड़ा सा भी इसमें बड़े टुकड़े या लम्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे नमक, साथ ही साथ अब इसमें जाएगा, मैं यहाँ 2 चम्मच के करीब दही डाल रही हूँ। दही से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इस नाश्ते का। और साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे काले वाले चम्मच से 1 चम्मच काली मिर्च और ये लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर ताकि इसका अच्छा सा एक कलर आए। साथ ही साथ धनिया की पत्ती कटी हुई डालेंगे और सारे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सारे को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर मुझे अभी भी जो है बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अभी भी मैं फिर से इसमें दही को ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 चम्मच दही ऐड किया है। तो दही की जगह आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दही से थोड़ा सा स्वादिष्ट बन जाता है नाश्ता। और अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनो सॉल्ट। तो थोड़े से इसमें पानी डालकर इनो को हम एक्टिवेट कर देंगे। मैंने फ्रूट इनो यूज़ किया है, मेरे पास प्लेन वाला नहीं था। तो इनो की जगह आप जो है ना खाने वाला सोडा जो है, या मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 लेमन को का जूस हम इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा नाश्ते का। तो सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने केक टिन का यूज़ किया है, तो आप कोई सा भी स्टील का बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं। और इसमें थोड़े से ऑयल डालेंगे और साथ ही साथ इसे अच्छे से चारों तरफ से ग्रेस कर लेंगे ताकि हमारा नाश्ता इसमें ना चिपके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अब हम इसमें सारे बैटर को डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो सारे बैटर को हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे लंच में बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ थोड़े से टैप टैप कर लेंगे और यहाँ पर मैंने पैन में पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अब हम इसमें बैटर को सेट कर देंगे और इसे हम कवर कर लेंगे अच्छे से। और करीब 20 से 25 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक कर लेना है। और इस बीच में हम इसे ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। करीब 25 या 30 मिनट भी आपको लग सकते हैं इसे कुक होने में। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा नाश्ता जो है कुक हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए
रख देंगे। और यहाँ पे देखिए फॉक की सहायता से इसे चेक भी कर दें, मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा हुआ, बहुत ठंडा नहीं हुआ अभी है, तो थोड़ा गर्म में ही मैं इसे कट कर रही हूँ, लेकिन आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने पर ही कट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा शेप में काट लिया है, और अब हम यहाँ पर देखिए आप ये अच्छे से इसे हम निकाल लेंगे एक एक प्लेट में, क्योंकि ये नाश्ता फ्रेंड्स सिर्फ पोहा से बने हैं ना, तो ये थोड़ा सा बहुत ही अभी सॉफ्ट हैं, ये इनके थोड़े से टूटने की भी चांसेस रहती हैं, इसलिए बहुत सावधानी से हम इसे केक टिन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और सारा निकल गए हैं, और अब हम चलते हैं गैस की ओर फिर से एक बार। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसे रोस्ट करेंगे, या यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है, इसमें हम डालेंगे जीरा, 2 हरी मिर्च, साथ ही साथ अब इसमें जाएगा काली पीली वाली राई, क्योंकि मेरे पास काली वाली नहीं थी तो मैंने पीली वाली राई डाली इसमें, और साथ ही साथ 2 चम्मच भर के उजला वाला जो तेल होता है ना वो डालेंगे, बहुत ही क्रंची हो जाता है उजला तेल डालने से, नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कड़ी पत्ता का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इस नाश्ते में। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए तेल में, जब सारी चीज़ अच्छे से हो जाए, तो अब हम एक एक करके इसमें सारे नाश्ते को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे नाश्ते को ऐड कर लूँगी, और गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम रखते हुए इसे फटाफट से हम इसे रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, स्वालो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी 2 चम्मच के करीब तेल डाला है इसमें, और अब इसे हम एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से पलट लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया है। तो सुबह की भाग दौड़ में या फिर रात के डिनर में भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनकर भी ये रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम इस नाश्ते को बनने में नहीं लगता, और स्वादिष्ट इतने लगते हैं कि बस पूछिए मत, सबको बहुत ही पसंद आते हैं। यहाँ पर देखिए साड़ी का बढ़िया सा एक कलर आ गया है, गोल्डन सा कलर, और बस इसी कलर के आने तक हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर, तो सारे को हमने इसे निकाल लिया है, और फिर से हम कुछ नाश्ते को इसमें डाल देंगे, और अब फ्रेंड चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है, हरी मिर्च को भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके साथ मैंने धनिया और पुदीना की चटनी बनाई थी, तो उसे ही हम इसे के साथ सर्व करेंगे। बच्चों को आप इसे टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स पोहे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भी भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कितने क्रंची से नाश्ता बनकर तैयार हो गया, ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो आप भी बनाइए इस नाश्ते को पोहे से, और इंजॉय कीजिए नाश्ते को। मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।